नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले पुनः सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई। इस वीडियो में 26 अप्रैल को कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर प्रकाश डाला गया है। क्या है उस ऑर्डर में, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश है इस वीडियो में। 484 ज्वाइनिंग के लिए काउंसलिंग हेतु आई लिस्ट पर भी बात कर लिया जाए। दोस्तों, आपको ज्ञात हो ही चुका है कि 11 मई को ज्वाइनिंग के लिए काउंसलिंग है। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 भर्ती की ज्वाइनिंग प्रक्रिया 11 मई से प्रारंभ हो जाएगी। पहले चरण में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण अर्थात मेडिकल कॉलेज में यूपीपीएससी स्टाफ नर्स से सेलेक्टेड अभ्यर्थी जिनकी मेरिट व चॉइस के अनुसार मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्शन हुआ है, इनको ज्वाइन कराया जाएगा। जिसकी ज्वाइनिंग के लिए पहली लिस्ट आ गई है, जिसकी काउंसलिंग KGMU के कलाम सेंटर परिसर में 11 मई दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम को 3:30 बजे तक मेरिट क्रमांक के अनुसार होगी। पहली लिस्ट में 484 महिला अभ्यर्थियों को लिस्टेड किया गया है काउंसलिंग के लिए, तथा शेष 139 महिला अभ्यर्थियों की लिस्ट अभी आएगी। जैसे ही आयोग इन 139 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के लिए रिकमेंडेशन कर देगा, हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों या DV के टाइम एक्सटेंशन पीरियड मिला रहा हो, जिस वजह से शेष 139 महिला अभ्यर्थियों की लिस्ट आयोग बाद में DAME को भेजेगा या भेजा होगा। मेल अभ्यर्थियों की सूची क्यों नहीं आई है, क्या कारण हो सकता है, इस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास है इस वीडियो में। चिकित्सा प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अंतर्गत कुल 623 महिला अभ्यर्थियों को चयन किया गया है, तथा 90 मेल अभ्यर्थी चयनित हैं, तथा 522 महिला सीट रिक्त रह गई है प्रशिक्षण एवं शिक्षा में अर्थात मेडिकल कॉलेज में। अब बात करते हैं 26 अप्रैल को कोर्ट नंबर 33 से जारी हुई ऑर्डर की, जिसकी कॉपी अगले दिन अर्थात 27 अप्रैल को देर शाम को सार्वजनिक की गई। इस ऑर्डर कॉपी को समझने से पहले कुछ मुख्य बातें जान लीजिए, जिससे ऑर्डर कॉपी को समझने में कोई भ्रम उत्पन्न न हो। जैसा कि आपको ज्ञात है, UPPSC स्टाफ नर्स 2021 भर्ती में DGMH के लिए 1627 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, DGME के लिए 623 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, KGMU के लिए 578 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, तथा DGMH के लिए 50 पुरुष अभ्यर्थियों का चयन है, DGME के लिए 90 पुरुष अभ्यर्थियों का चयन है, KGMU के लिए 46 पुरुष अभ्यर्थियों का चयन है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1729 सीट रिक्त रह गई। DGMH में 905, DGME में 522, KGMU में 302, कुल 1729, और ये सभी महिला सीटें हैं। पुरुष वर्ग में एक भी सीट खाली नहीं है। 15,830 जिसमें 4,129 मेल तथा 11,701 फीमेल ने समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके वांछित डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए थे। इन्हीं 15,830 में से आयोग को फाइनल चयन करना था और आयोग ने किया। अब एक नज़र डालते हैं कोर्ट के ऑर्डर कॉपी पर, जो याचिकाओं को हियरिंग करके 26 अप्रैल को ऑर्डर पारित किया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता सूर्य प्रकाश पांडे, राज्य सरकार की तरफ से CSE 7 अनिल कुमार सिंह, तथा लोक सेवा आयोग की तरफ से अधिवक्ता निशित यादव जी को कोर्ट ने हियर किया। तमाम अभिलेखों के अवलोकन तथा साथ साथ दलीलें जो प्रतिवादियों के लिए प्रस्तुत की गईं, इससे यह पता चलता है कि अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जाँच में कुछ विसंगतियाँ रह गई हैं, जिसके कारण कोर्ट ने 20 अप्रैल को ये ऑर्डर पारित किया कि इस प्रकरण पर 21 अप्रैल को भी हियरिंग होगी प्रातः 10 बजे से। इस बीच राज्य सरकार की तरफ से मुख्य CSE मिस्टर KR सिंह तथा आयोग की तरफ से अधिवक्ता मिस्टर निशित यादव ने संज्ञान में लाया कि वह राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करेंगे कि क्या राज्य सरकार ने आयोग को कोई दिशा निर्देश दिया है अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए, कि किस स्तर से जाँचना है, जिस कारण समस्या उत्पन्न हुई है याची तथा अन्य संबंधितों को। आज 26 अप्रैल को राज्य सरकार की तरफ से CSE 7 मिस्टर अनिल कुमार सिंह ने कोर्ट को मौखिक रूप से प्राप्त निर्देशों के क्रम में बताया कि 2200 चयनित अभ्यर्थियों की फाइल सूची ज्वाइनिंग के लिए सिफारिश कर दी गई है, रिकमेंडेशन कर दी गई है, उनके अनुभव प्रमाण पत्रों की पुनः जाँच पेंडिंग है। DG चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा, DG चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा KGMU वाइस चांसलर के पास। जब तक सभी की पुनः जांच नहीं हो जाती, तब तक 2200 की ज्वाइनिंग की मंजूरी सभी संबंधित विभाग के DG VC नहीं देंगे। अतः प्रक्रिया इस स्तर तक पहुंच चुकी है तथा संबंधित विभागों ने भी मंजूरी दे दी है,
अतः अंतरिम राहत स्टे भर्ती की इस स्टेज पर नहीं दी जा सकती। यह भी अपेक्षा की जाती है कि संबंधित अधिकारी पूर्व कथित के बिना 2200 की नियुक्ति नहीं करेगा। ज्वाइनिंग से संबंधित लिए गए सभी निर्णय इस अदालत के समक्ष भी प्रस्तुत करना होगा। कोर्ट यह भी अपेक्षा करती है कि भर्ती की शेष बची 1729 रिक्त सीटों पर जो कि अग्रणित हैं, इन सीटों पर नई भर्ती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इन याचिकाओं पर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता। प्राप्त निर्देशानुसार आयोग के अधिवक्ता मिस्टर निशित यादव ने कोर्ट को सूचित किया कि 814 चयनित अभ्यर्थियों जिनकी सिफारिश आयोग ने आगे नहीं भेजा है तथा साथ में अन्य उन सभी अभ्यर्थियों का जिन्होंने अप्लाई किया है अनुभव प्रमाण पत्रों की पुनः जांच की जाएगी एक कमेटी बनाकर। इसके क्रम में आयोग ने पहले ही एक पत्रावली भेज दी है 21/4/22 को। कोर्ट में प्रमाण पत्र के लिए आज कॉपी रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत कर दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से CSC 7 मिस्टर अनिल कुमार सिंह ने कोर्ट को सूचित किया कि 2-3 दिनों में इसके लिए एक कमेटी का गठन संबंधित प्राधिकरण विभाग करेंगे। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार पूर्व कथित प्रकरण के उद्देश्य से जल्द एक समिति का गठन करे। मामले की आवश्यकता को देखते हुए इस केस को 9 मई 2022 को 2 PM में संबंधित मामलों पर हियरिंग होगी। इस बीच आयोग के विद्वान अधिवक्ता अन्य पहलुओं के संबंध में सभी याचिकाओं में काउंटर एफिडेविट फाइल कर सकते हैं या करें। दोस्तों 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, याद होगा आपको पहले की वीडियो में आपसे कहा था AGB इंडिया ने कि मंगल को मंगल जरूर होगा तथा ये भी कि 20 अप्रैल से 10 मई के मध्य ज्वाइनिंग भी होगी। 2 दिन पूर्व भी कहा था कि मई में 100% ज्वाइनिंग होगी। यह बात अलग है कि याचिकाओं की वजह से 10-15 दिन आगे पीछे हो जाता है। दोस्तों इसी हफ्ते एक कमेटी बनाकर अनुभव प्रमाण पत्र की पुनः जाँच से लेकर अन्य मामलों पर निर्णय ले लिया जाएगा और यह भी उम्मीद है कि 9 मई को फाइनल फैसला आ जाए। PPSC स्टार्टनर्स की नई भर्ती पर भी कोई रोक नहीं लगी है। सिर्फ 2021 भर्ती की रिक्त 1729 पर भर्ती नहीं करने के लिए कोर्ट ने कहा है, वह भी तब तक जब तक फाइनल फैसला न आ जाए कोर्ट का। 1729 रिक्त सीट को छोड़कर सरकार नई फ्रेश भर्ती निकाल सकती है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग भी नहीं रुकी है। जैसे जैसे अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच होती रहेगी वैसे वैसे ज्वाइनिंग के लिए नई लिस्ट 3-4 भाग में आ जाएगी। पूरी संभावना है कि मई में सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। मुख्यमंत्री का विशेष निर्देश है। दोस्तों पहले कार्यकाल में न्याय विभाग की ढीले रवैये से सरकार की खूब किरकिरी हुई थी, जिस कारण इस बार अर्थात दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी जी ने न्याय विभाग को खुद अपने पास रखा है। न्याय विभाग की सक्रियता से आगे भी सभी के लिए अच्छा ही होगा। 3 मई को मंगलवार है, कमेटी का निर्णय भी हो सकता है मंगलवार तक आ जाए। सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पुनः चेक करके 2 सेट में बनाकर अभी से रख लें। बहुत सारी अपडेट चैनल के कमेटी वाले ऑप्शन पर भी पोस्ट किया जाता है, अतः कमेटी ऑप्शन को भी आप लोग देख लिया करें। मई में सभी की ज्वाइनिंग लगभग हो ही जाएगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।